नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में जो आपके लिए रखा गया है कंपनी के द्वारा, टाइम टू टाइम आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। एंड ये सेशन जो लिया जा रहा है, सभी लोग वेल नोन हैं, उनसे परिचित है अच्छी तरीके से, हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब के द्वारा, जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर 30 ईयर्स अमेरिका में रिसर्च किया है। तो वी ऑल आर लकी, लोग लकी हैं कि इतने एक्सपीरियंस साइंटिस्ट के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, उसको ध्यान से सुने, जरूरत पड़े तो नोट डाउन करें। और ये सेशन जो है रिकॉर्डिंग की जाएगी और इस रिकॉर्डिंग को हम यूट्यूब पे डालेंगे, तो जो लोग आज ज्वाइन कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो सेशन है, टॉपिक है इम्यून इज द की ऑफ हेल्दी ऑर्गन, तो कैसे है इसके बारे में इन डिटेल्स में हम जानेंगे हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब के द्वारा। एंड इंड तक आप बने रहिए, कुछ अगेन मैं अपडेट करूंगा आप सभी को। तो स्वागत है डॉक्टर कुट्टी साहब आपका। थैंक यू टुन्ना सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द क्लास, वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज जैसे टुन्ना सर ने बोला है कि हमारा अगर हर एक ऑर्गन हेल्थी रहे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगा, या इन अदर वर्ड्स बीमार मुक्त रहना है तो आपको अपना हर एक ऑर्गन को हेल्थी रखना होगा। हमारा ऑर्गन का हेल्थ के लिए हमने हर क्लास में ये आपको समझाने की प्रयास, पूरा शरीर जो है करीब 200 तरह का सेल से बना हुआ है, 200 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी। 200 सेल के लिए, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये 200 न्यूट्रिएंट्स आपको कहां से मिलता है? आपका रोज डेली खाने से मिलता है। खाने में न्यूट्रिएंट की अभाव डेफिशिएंस की वजह से हमारा एक एक ऑर्गन को, जैसे रीजन वाइज हो या अलग अलग हर एक 100 किलोमीटर डिस्टेंस में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता है, उसी तरह अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से हम खाना खाते हैं। जैसे पंजाब का खाना और साउथ का खाने में बहुत डिफरेंस है, इसी तरह से कि हमको अगर हर तरह का न्यूट्रिएंट्स वांट डे टू डे बेसिस पे नहीं मिलेगा तो हमारा एक एक ऑर्गन फेल होता है। और अंत में जो एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होता है, प्रीमैच्योर डेथ, प्रीमैच्योर फेल्यूर, या आपका ऑर्गन टाइमली रीजनरेट नहीं हुआ या सेल्स रीजनरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ये एक दिन में नहीं कोई ऑर्गन फेल होता, ये समझ ले। फंक्शनल होने के लिए कुछ महीना लगता है, कुछ कुछ ऑर्गन जो है साल भर लगता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूसली आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हमारा एक एक ऑर्गन फेल होता है। अब ये समझना है, हमने ये बोला है कि 65 तरह की इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एवरी डे आपको खाने के जरिए लेना है। 65 की जगह जो नॉर्मल हमारा रूटीन का खाना है उससे हमको 25 तक न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बाकी 40-45 न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने अलग अलग तरीका बताया कि भाई आप वेजिटेबल हर तरह का खाएं, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स रोज खाएं, और आपका खाने के अंदर ड्राई फ्रूट्स जो भी आपका अवेलेबल है, कम से कम 4-5 तरह की ड्राई फ्रूट्स, 2-4 पीस ही खाना है, ज़्यादा किलो नहीं खाना होता है, 4-6 पीस भी अगर रोज खाए तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। जो कमी रह जाता है उसके लिए हमने ये आपको समझाया है
पीछे क्लासों में जो नट्स मिलता है, सीड्स मिलता है, 6-7 तरह की सीड्स जो है आजकल ओपन मार्केट में अवेलेबल है पैकेट में, 300-400 रुपए का है, एक पैकेट भी लोगे तो पूरा महीना निकल जाता है। थोड़ा उसमें से 10-10 दाना जो है रोज खाए तो आपका डेली न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट्स अगर ले भी लेते हैं, अगर सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका गट का जो बैक्टीरिया है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन को हेल्प करने के लिए जो बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया सफिशियंट क्वांटिटी में आपका स्टमक में नहीं है, या वो बैक्टीरिया के लिए जो प्रॉपर फूड आपकी खाने के जरिए नहीं मिला, तो आपका जो खाने हैं वो खाने के अंदर से ग्लूकोस या प्रोटीन जो है वो प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन नहीं होता है। समझ लीजिएगा, सी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट आप छोटा सा एक ट्रिक अगर आप ध्यान रखें, चिर बहुत छोटा सा है, आपका गट की बैक्टीरिया अगर हेल्थी है तभी आपका न्यूट्रिएंट्स आइडेंटिफाई करके सेपरेट करके अलग अलग ऑर्गन को या अलग अलग सेल को मिलेगा। दैट मीन्स आपका जो डाइजेशन है प्रॉपर होना चाहिए, डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोस है वो आपका हर एक सेल में पहुंचना चाहिए, राइट? जैसे हमारा सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, फर्स्ट लेयर आप सभी को मालूम है हमारा स्किन है, जैसे ठंड की मौसम है तो आप उलन कपड़े पहनते हैं और उलन क्लोथ्स पहनते हैं, सब कुछ इनर पहनते हैं, सब कुछ क्यों पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड द बॉडी टेम्परेचर। सो जो नेचुरल आपका फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है या आउटर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है वो स्किन है, बट आपका ऑर्गन को कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है आपका इम्यून सिस्टम, जो TLC बोला जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो WBC आपकी ब्लड के अंदर जो WBC होता है उसके अंदर 5 डिफरेंट तरह की सेल्स होता है। अगर ये पांचों सेल अपने पीक लेवल मेंटेन रखें, TLC, that means अगर आपका TLC 10,000 और 11,000 के बीच में है, नॉर्मली 5,000 से या 6,000 से 11,000 बोलते हैं, अगर 10,000 आप मेंटेन रख पाते हैं तो आपके शरीर में किसी भी तरह की वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आ जाए वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बॉडी जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपका TLC वेल मेंटेन्ड है, सिर्फ 5 तरह का सेल वेल मेंटेन्ड है, तो आपको इवन कोविड किसी भी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। बॉडी में आ जाए, आएगा जरूर, बिकॉज वी आर लिविंग इन द नेचर, इस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, पोल्यूशन में रहेंगे, गंदा पानी पिएंगे, खाना अडल्ट्रेट खाना खाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस तो आना ही आना है। बट मल्टीप्लाई करने का कैपेसिटी जो है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग है, ये समझ लीजिएगा, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी होता है। ये कैपेसिटी को कौन डिसाइड करता है? आपका TLC। ये TLC को हेल्थी मेंटेन रखना है तो आपका जो भी खाना खाते हैं ये खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट होने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म परफेक्ट हो, मेटाबॉलिज्म परफेक्ट होगा तभी आपको अलग अलग सेल का सेपरेट न्यूट्रिएंट्स आपके खाने से मिलेगा। खाली पेट भरने के लिए खाना खाने से, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं, इसमें खाना खाते समय आपको कैलोरी वैल्यू और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ध्यान रखना है।
जैसे आज कल किसी ने मेरे से पूछा था कि डायबिटीज के लिए क्या किया जाए। भाई आप कुछ भी दवा खा लो, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा अनलेस अंडिल यू कंट्रोल द इनटेक ऑफ कैलोरी एवरी डे। 2000 कैलोरी से ज्यादा मेहरबानी करके मत लीजिएगा, 2000 कैलोरी से नीचे ही रखना है। और आपको ये कैलकुलेटर जो कहा गया है वो 65 न्यूट्रिएंट्स के लिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ फूड लेना है। और ये सब कुछ लेने के बाद अगर आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म परफेक्ट नहीं है तो आपका इम्यून नहीं मेंटेन हो सकता। अगर इम्यून मेंटेन होगा तभी ये न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन होगा आपकी बॉडी में। दीज प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स आपको बीमार ना हो, आप हेल्थी रहें, आपकी ऑर्गन सारे हेल्थी रहें। मगर हमारा मेडिसिन का इतनी प्रॉपर्टीज है, मेडिसिनल वैल्यू है, किसी भी स्टेज का डिसफंक्शनल ऑर्गन को फंक्शनल बना देता है। इसका मतलब खाली दवाई नहीं पीना होता है, आपको अलसी का मटा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, ये बहुत शुरू से लेके आज तक हम बोलते आए हैं प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेना है। ठंड है तो भी पानी पीना है, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें आपको बोलते हैं। तो इम्यून जो है, इम्यून इज योर इंटेलिजेंस। आप समझ लीजिएगा कि आपको हम ये जो ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं कि आपको जानकारी दे रहे हैं, उसी तरह से आपका इम्यून आपका ऑर्गन को, आपका बैक्टीरिया को ये इंफॉर्मेशन देते हैं, पैनक्रियास को आज थोड़ा ज्यादा जरूरत है, हैं? या आपका लिवर को आज न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत है, आपका हार्ट के लिए इसकी जरूरत है। तो आइडेंटिफाई करके, न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई करके सेल को पहुंचाने के लिए भी ये हमारा इम्यून काम करता है। तो इम्यून को मेंटेन रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है कि हमारा जो आज भी एक डॉक्टर है, हमारा यूपी से एक डॉक्टर का सुबह सुबह मेरे को जूम मीटिंग में कॉल आया, तो बोला कि सर इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये है, वो कई सारे सवाल पूछे। तो उनको फाइनली मैंने क्या बोला कि मैंने बोला देखिए 60 साल का आदमी भी 21 साल के लड़के के तरह भाग दौड़ करके काम करने की एनर्जी रहता है बॉडी में, क्या लेने से, आपका वेद पावर और वेद नेचुरे का कॉम्बिनेशन लेने से। तो उनका सारा सवाल जो है वही खत्म हो गया, बिकॉज आपका हर एक सेल हेल्थी रहना है तभी आपका ऑर्गन हेल्थी रहेगा। आप समझिए आपका 78 ऑर्गन है, 78 की 78 ऑर्गन अगर हेल्थी है तो आपको कहां से बीमारी आएगा, नहीं आएगा। लोग समझते हैं जैसे एलोपैथी ड्रग्स के तरह दवा खाया और ठीक हो गया, नो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि कम से कम 3 हफ्ता ये प्रोडक्ट कंटिन्यूसली लेना है, 3 हफ्ते के बाद ही यू एक्सपेक्ट सम रिजल्ट। हो सकता है बॉडी में आपको 3rd दिन 14th दिन रिजल्ट आ जाए, दैट इज नॉट परमानेंट रिजल्ट, वो शुरुआत है। 21 दिन तक आपको हमारा बीमार है, आपका कोई भी ऑर्गन फेल्ड है या डिसफंक्शनल है तो 15 ml की जगह 20 ml करता हूं, 2 बारी पीने की बजाय 3 बारी करना पड़ता है। किसी किसी को इम्यून भी साथ में देना पड़ता है, किसी को कंपलसरी हम बोलते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लेना है, और कुछ लोगों को ओवरवेट है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है उनको हम बोलते हैं भैया इवनिंग का डिनर भी थोड़ा टाइम 7 बजे तक खा लो, मैक्सिमम 8 बजे तक। और कार्बोहाइड्रेट पूरा दिन में 25% से ज्यादा नहीं लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चावल हो या गेहूं हो या कुछ ऐसे तरह का चीज जो कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा खाने में, पूरा दिन का खाने का 25% है। 25% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन, 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स समझ लीजिएगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ फैट जो है 10%, दैट मींस ऑयल और बटर, घी, जो कुछ भी आप लेते हैं, दैट यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट विद 10%। ये खाने का भी आपको डोजेज देखना है। तो मेरा जो बेसिक पर्पस आपको आज बोलने का ये था कि प्लीज मेंटेन योर इम्यून। बट मैं एक बात एम्फसाइज करके, स्ट्रेस करके आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अपना इम्यून को हेल्थी नहीं रखेगा तो ये वायरस आप में आ सकता है। सो बेयर मिनिमम हर एक आदमी को, आप अपनी फैमिली और अपना रिलेटिव फ्रेंड सभी को वेद नेचुरे, वेद पावर का कॉम्बिनेशन तो देना ही देना, समझ गए? और वेद इम्यून, जहां भी आपको इम्यूनिटी डाउन दिख रहा है, क्योंकि वेद नेचुरे भी आपका इम्यून को बैलेंस करता है। क्योंकि कई सेक्टर से मुझे मैसेज आते हैं, सर कॉस्टली पड़ जाता है तीनों लेंगे, तो आप अवॉइड कर सकता है इम्यून को। जहां इम्यून कम है वहां पे इम्यून भी देना है। 15 ml ले लें, दिन में 2 बार ले लें, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है तो आप इम्यून जो है सुबेरे ले लो या शाम को ले लो, और जो नेचुरे है सुबह या शाम को ले लो, मतलब 10 अगर आप लेंगे तो भी आपका इम्यून को बैलेंस कर सकता है। बट आपको खाने में न्यूट्रिएंट वैल्यू और आपका कैलोरी वैल्यू को मैनेज रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक करना है। भी आपको नुकसान देता है कोविड काल में, सो कीप अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन एंड स्मोकिंग। फिर आप सिगरेट या बीड़ी पियोगे तो आपको कितना नुकसान होगा, सो कीप अवे फ्रॉम दैट। ट्राई टू ईट हेल्थी, लिव हेल्थी, और ठंड है तो भी पानी तो पीना ही पीना है। कितना पी सकते, मैं 4 लीटर नहीं पी पाते, 3 लीटर तो पीना ही है। Because you know, all of you know कि हमारा बॉडी का 70% जो है वाटर है, और वाटर कंटेंट, ये भी मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ, अगर वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो स्टूल है वो प्रॉपरली पास नहीं होगा। नंबर थ्री, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। ओवर एंड अबव आप फेंट नहीं हो सकता, रादर कि आप अगर आप सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ पानी पियोगे तो आपका ब्लड प्योर रहेगा और आपका किडनी का फंक्शनिंग ठीक रहे, इतनी सारे बेनिफिट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप आते जो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, और ये सब कुछ खाने के बाद प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन मींस हजम होना, उसके बाद जो ग्लूकोज बॉडी अब्सॉर्ब करता है उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा सेपरेट नहीं कर पाए तो आपको सेल तक ये न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जो भी खाना आप खाते हैं उसकी कैलकुलेशन पहले देखना, देखने के बाद ही खाना है। जैसे लिवर है, हमने कहा लिवर 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है, बट 2 महीने से भी पहले ठीक हो जाएगा। आप ऑयली खाना, स्पाइसी फूड थोड़ा अवॉइड कर दे तो 21 दिन में, 23 वीक्स में लिवर को ठीक कर सकते हैं। 80% लिवर डैमेज हो गया तो भी
आपका लिवर रीजनरेट हो सकता है, बट आपको जैसा मैं बोलता हूं वैसे एम्फसाइज करके उनको बोलना पड़ेगा, भाई लिवर का ये फंक्शनिंग है, ये है लार्जेस्ट ऑर्गन है, और बॉडी का आफ्टर हार्ट, हार्ट के बाद जो सबसे ज्यादा काम करने वाला ऑर्गन है लिवर। लिवर जल्दी खराब भी होता है और जल्दी रिपेयर भी होता है। अगर आप रूटीन खाने में रोज गलत खाना खाओगे तो ही आपका फैटी लिवर होगा, ये भी समझ लीजिएगा। फैटी लिवर कोई बीमारी नहीं है, आपका खाने में जो गलतियां हैं करते हैं उसी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। और साल भर आप फैटी लिवर मेंटेन रखोगे फिर तो लिवर डैमेज होना ही होना है। खाली लोगों के दिमाग में यह है कि सिर्फ दारू पीने वाले की लिवर डैमेज होता है, नो, गंदा पानी पीने से भी लिवर, हेपेटाइटिस सी कहां से आ जाता है? गंदा पानी, साफ पानी नहीं पीने की वजह से होता है। तो पानी का रोल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल टेकिंग फूड। टेस्ट के लिए खाना नहीं खाना, टेस्ट के पीछे भागना नहीं होता है। टेस्ट इज ओनली लिमिटेड टू योर टंग, टंग से नीचे, मुंह से नीचे अगर खाना उधर गया तो टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। बॉडी का न्यूट्रिएंट्स है, मैंने बोला था इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कि हर एक ऑर्गन को जो स्पेसिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको आइडेंटिफाई करके मैंने आपको चार्ट बना के पिछले क्लास में बताया था, यूट्यूब में पढ़ा होगा, तो आप किसी को अगर जानकारी चाहिए तो वो आप जाके देख लीजिएगा कि एक एक ऑर्गन के लिए इम्पोर्टेंट हर एक को जो सूटेबल खाना क्या क्या है वो क्लास में दिया गया है, उसको भी आप रिविजिट कर लीजिएगा। और नथिंग मोर आज के लिए, दैट्स गुड, यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर।